यानी इंट्रोडक्शन टू द एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन अ ग्रुप, यानी कैसे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, एंड द थर्ड वन इज वैराइड बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अलग अलग बिहेवियर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। बेसिकली अगर मैं एनिमल्स के बारे में बात करूँ तो एनिमल्स को भी सोशल एनिमल कहा गया है, जैसे कि इंसान को कहा गया। मैन आर कॉल्ड एज सोशल एनिमल, तो एनिमल्स को भी सोशल एनिमल कहा गया। वॉट इज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग देम सोशल एनिमल, उनको सोशल एनिमल क्यों कहा गया? तो जो रीजन है वो ये है दैट दे लिव इन अ ग्रुप, वो ग्रुप में रहते हैं। विद दैट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड स्टेइंग इन अ ग्रुप, वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि एक दूसरे को कम्फर्ट दे सके, सिक्योरिटी दे सके, प्रोटेक्शन दे सके, करेज यानी हिम्मत दे सके, ताकि वो अपने एनिमल से फाइट कर सके, बेबीज का ध्यान रख सके। तो इन वजह से एनिमल्स को सोशल एनिमल कहा गया है, एंड दे आर कंपेयर्ड विद ह्यूमंस। अब बात करेंगे हम एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स, यानी एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे एलिफेंट्स का। तो एलिफेंट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्ड में रहते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है हर्ड, जो आप अपनी बुक में देखोगे। इस हर्ड, ये वर्ड जो हर्ड यूज हुआ, जो टर्म है ये यूज किया गया है ग्रुप के लिए। ये टर्म यूज हुआ है ग्रुप के वजह से, ठीक है? तो बेसिकली हर्ड टर्म हो गया ग्रुप की वजह से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलिफेंट्स के अंदर जो उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में 10 to 12 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें भी एक पर्टिकुलर रोल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल या फिर रूलिंग रोल कह सकते हैं, वो होता है फीमेल एलिफेंट का, यानी जिसे हम कहेंगे डोमिनेंट।
ठीक है। तो ये एनिमल्स कैसे हैं डोमेस्टिक, तो बेसिकली जो इनका बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, फ्रेंडली। हाउ दे बिहेव, फ्रेंडली, यानी जो इनका नेचर होता है वो फ्रेंडली नेचर होता है। एंड वी यूज टू प्ले विद देम। एंड अगर मैं बात करूं इसी की जगह, अगर मैं डॉल्फिन की बात करूं, तो डॉल्फिन भी क्या है, डॉल्फिन भी एक फ्रेंडली एनिमल है जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। तो व्हाट डॉल्फिन डू, डॉल्फिन क्या करता है, बेसिकली डॉल्फिन मिमिक करता है। मिमिक यानी एक्टिंग, विद दैट वो क्या करता है, हमें एंटरटेन करता है। अब कुछ और एनिमल्स हैं जिनके बिहेवियर थोड़े और डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूँ वाइल्ड एनिमल्स की, तो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं कि थोड़े शाय होते हैं। अब यहाँ पर शाय, शाय यानी शर्माना, ठीक है, तो वो थोड़े शर्मीले नेचर के होते हैं। नाउ व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि वाइल्ड एनिमल्स शाय नेचर के होते हैं, उसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि वो ह्यूमन से फैमिलियर नहीं होते। ह्यूमन ऐसा तो है नहीं कि वाइल्ड एनिमल के पास हम रोज जाके खड़े हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू देम और वी आर प्लेइंग विद देम, ऐसा तो है ही नहीं कि हम उनके साथ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर हम उनके साथ हमारा मतलब रोज का मतलब मीटअप होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन से फैमिलियर नहीं होते हैं, यही रीजन है कि वो उनका नेचर कैसा होता है, शाय। अब इसके अलावा कुछ और एनिमल्स हैं जिनकी मैं बात कर सकती हूँ, जैसे कि रैट है, स्क्विरल है, लिजार्ड, बियर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो शाय नेचर के होते हैं। यानी ये भी क्या करते हैं, अगर ह्यूमन को देखते हैं तो क्या करते हैं, डर के, या तो वो डर के छुप जाते हैं, या फिर वो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं अगर उन्हें लगता है कि हमसे उन्हें कोई भी हार्म पहुंचने वाला है तो। बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट अस, और ना ही हमें एग्जैक्टली पता होता है दैट व्हाट दे वांट और व्हाट दे फील, बिकॉज वी बोथ आर अनफैमिलियर टू ईच अदर, हम इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं एक दूसरे के बिहेवियर के साथ। एंड अब जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है दैट हाउ शुड वी बिहेव विद द एनिमल्स। सो बेसिकली एनिमल्स के साथ कभी भी क्रुएल्टी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड लव एनिमल्स। बेसिकली एनिमल्स हमारे लाइफ का ही पार्ट है, सो मेक श्योर यू आर लविंग देम, यू आर पैम्परिंग देम, यू आर प्लेइंग विद देम। सिर्फ यही चीजें करनी है, क्रुएल बिहेव कुछ भी नहीं करना है, नाइदर हमें उन्हें टीज करना है यानी चिढ़ाना है, बिल्कुल नहीं, ना ही उनको चिढ़ाना है, ना ही उनको परेशान करना है, ना ही उन्हें कुछ हार्म पहुंचाना है। सो नाउ योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times एट योर होम। थैंक यू।